नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम काव्य की परिभाषा, काव्य के प्रकार, काव्य के उदाहरण पर अपनी अध्ययन चर्चा को केंद्रित रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काव्य की परिभाषा, उनके प्रकार और उदाहरणों के बारे में आज की अध्ययन चर्चा। सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य किसे कहते हैं। तो देखिए, जो काव्य शास्त्र के उद्भट विद्वान हुए हैं उन्होंने इसके बारे में अपने अपने तरह से परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा को देखते हैं और उन्होंने कहा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानि रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। अगर ऐसा कोई वाक्य लिखा जाए जिसमें रस हो, जो हमने 10 रसों को पढ़ा है उनमें से किसी भी रस का उसमें हमको आभास होता हो तो वह काव्य होगा। इसी तरह आचार्य जगन्नाथ जी ने कहा है कि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। जब किसी रचना से उसका सुंदर अर्थ निकले, निकलने की संभावना बने, तो इसका तात्पर्य है कि वह काव्य है। और इसके बाद हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई परिभाषा पर बात करने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक समय के विख्यात आलोचक और विद्वान हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका प्रामाणिक प्रथम लेखन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही द्वारा हुआ है और वे इतिहास लिखकर साहित्य के इतिहास में अमर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो उक्ति, उक्ति यानी कथन, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जगा दे और उस वस्तु तथ्य की मार्मिक भावना में हमें लीन कर दे वह काव्य है। तो इस तरह हमने देखी काव्य की परिभाषाएं। अब हम ये जानेंगे कि काव्य के कितने प्रकार या भेद होते हैं। तो देखिए, प्रमुख रूप से जो काव्य है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। दोनों के नामों से ही उनकी विशेषताओं का पता चलता है। श्रव्य का तात्पर्य है सुनना और दृश्य का तात्पर्य है देखना। जब हम किसी काव्य का आनंद उसे सुनकर ग्रहण करते हैं तो समझ लीजिए वह श्रव्य काव्य है, और जिस काव्य को देखकर हमारे हृदय में आनंद की उत्पत्ति हो तो उसे दृश्य काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये काव्य के दो प्रमुख भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य के भी भेद हैं कुछ और दृश्य काव्य के भी कुछ भेद हैं। तो पहले श्रव्य काव्य के भेदों के बारे में बात करते हैं। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं ये मैंने आपको अभी बताया, और उसके उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि श्रव्य काव्य के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, कहानी, उपन्यास आदि। इनको हम सुनकर या पढ़कर इनका आनंद उठा सकते हैं, इसलिए ये सभी श्रव्य काव्य का जो है वो उदाहरण है। अब श्रव्य काव्य के भी दो भेद हैं, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य।
प्रबंध काव्य में बंध शब्द आया है, प्रबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। जब कोई बड़ी कहानी एक विशेष रस में छंद में बांध करके कोई रचनाकार उसे प्रस्तुत करता है और किसी नायक के संपूर्ण जीवन को वह अपनी रचना का मुख्य केंद्र बनाता है, तो उसे हम महाकाव्य के, प्रबंध काव्य के अंतर्गत लेते हैं। और प्रबंध काव्य के अलावा दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य का तात्पर्य है मुक्त, जो काव्य मुक्त हो, अर्थात एक प्रबंध काव्य में पूरी कहानी आरंभ से लेकर अंत तक आपस में जुड़ी होती है, लेकिन मुक्तक काव्य में कोई एक विचार, कोई एक भाव, कोई एक बिंब, कोई एक दृश्य ही होता है और वह अपने आप में पूर्ण होता है। तो इस तरह प्रबंध काव्य अलग है, उसमें एक कथा होगी, मुक्तक काव्य में कथा नहीं होगी, लेकिन कोई एक विचार, कोई एक भाव, कोई एक दृश्य उसमें हमें मिलेगा। प्रबंध काव्य के दो भेद और हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। दोनों ही प्रबंध रचना है क्योंकि दोनों में एक लंबी कहानी है। महाकाव्य में जीवन की संपूर्णता को प्रस्तुत किया जाता है, मगर खंड काव्य में किसी महानायक के जीवन की किसी एक घटना को ही प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तो खंड काव्य जीवन के एक हिस्से से जुड़ता है, महाकाव्य संपूर्ण जीवन से जुड़ता है। मुक्तक काव्य के भी दो भेद हैं, एक है पाठ्य मुक्तक और दूसरा है गेय मुक्तक। नामों से ही इनके चरित्र के बारे में, गुण के बारे में हम समझ सकते हैं। पाठ्य यानी पढ़ना और गेय यानी गाना। पाठ्य मुक्तक वो है जिसे पढ़ा जा सके लेकिन गाया नहीं जा सके, पढ़ करके ही हम इसको उसका आनंद ले सके, तो वो पाठ्य मुक्तक होता है। और गेय मुक्तक जिसे हम गा सके, मुक्तक रचना तो होगी लेकिन उसमें लय होगी, ताल होगा, छंद होगा, मात्राएं होंगी, मात्राओं की समानता होगी, तभी उसे गाया जाना संभव होगा। तो ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत जितने भी भेद थे वो आ गए। एक बार अगर दोहरा लें तो शायद बेहतर होगा। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। सॉरी, प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। उधर मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जो श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य है। यह श्रव्य काव्य अभी तक हम पढ़ रहे थे। दृश्य काव्य जिसे हम देखकर आनंद उठाते हैं, तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? इसके प्रकार है नाटक, एकांकी, प्रहसन, फिल्में और धारावाहिक। नाटक को मंच पर जब अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो हम उसे देखते हैं और देखकर उसका आनंद लेते हैं। एकांकी, संपूर्ण नाटक जो 3 अंकों का होता है उसकी बजाय किसी एक घटना पर आधारित होता है और एक बार पर्दा उठता है और पर्दा गिरते ही नाटक संपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो एकांकी नहीं होते, परिपूर्ण नाटक होते हैं, उनमें 3 अंक होते हैं। 3 बार पर्दा गिरता है, 3 बार पर्दा उठता है, 3 दृश्य होते हैं। तो इसलिए नाटक और एकांकी में फर्क है, दोनों एक ही रचना है जैसे उपन्यास और कहानी, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि नाटक परिपूर्ण होता है, एकांकी में एक दृश्य होता है। प्रहसन और छोटा होता है। प्रहसन का तात्पर्य है कि छोटी मोटी कोई घटनाओं को प्रस्तुत करके हास्य पैदा किया जाए, कॉमेडी पैदा की जाए,
तो वो प्रहसन के तहत आता है। फिर फिल्में भी दृश्य काव्य हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई कहानी को आधार बना करके तैयार की जाती हैं और उन्हें हम थिएटर में, सिनेमा हॉल में या टीवी पर या उसके वीडियो रिकॉर्डिंग पर देख सकते हैं। धारावाहिक भी दृश्य काव्य ही है, क्योंकि वो भी एक कहानी को दृश्यात्मक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये काव्य के जो प्रमुख दो भेद हैं, उन दो भेदों के जो उपभेद हैं, उनके बारे में हमने अभी जाना। लेकिन अब हमको ये जानना आवश्यक है कि मुक्तक काव्य या प्रबंध काव्य, खंड काव्य, ये सब के कुछ उदाहरण हमको देखना होंगे। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें कि पाठ्य मुक्तक के उदाहरण कौन से हैं, गेय मुक्तक के उदाहरण कौन से हैं, तो देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में जितनी भी कविताएं हैं, जिन कविताओं को गाया नहीं जा सकता, केवल पढ़कर के ही हम उनको उसका आनंद ले सकते हैं, वो सब पाठ्य मुक्तक हैं। और गेय मुक्तक जो है वो जिन्हें गाया जा सके, जिनमें लय और छंद हो, तो ऐसे आपकी कविताएं पाठ्य में, पाठ्य पुस्तक में हैं आपके। उदाहरण के लिए अगर हम पाठ्य मुक्तक की रचनाओं को देखें तो कविता के बहाने कुंवर नारायण की रचना है, पतंग आलोक धनवा की रचना है, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय की रचना है, सहर्ष स्वीकार है मुक्तिबोध जी की रचना है, ये पाठ्य। और गेय मुक्तक जैसे गा सकें, कबीरदास के पद, सूरदास के पद, मीराबाई के पद, तुलसीदास के पद, ये सब के सब गेय मुक्तक के अंतर्गत आते हैं। बच्चन जी ने भी गेय मुक्तक रचे हैं और दूसरे बहुत से कवियों ने भी गेय मुक्तक लिखे हैं। तो इस तरह से हम पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तकों के बारे में उनके उदाहरण देख चुके। अब हम ये जानेंगे कि महाकाव्य की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए महाकाव्य की विशेषताएं इस प्रकार होती हैं कि इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। दूसरा, इसमें सात या सात से ज्यादा सर्ग होते हैं, सर्ग यानी अध्याय, जैसे रामायण में कांड है वो सर्ग ही है। तीसरा, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, परंतु प्रधान छंद एक या दो ही होते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नाम का महाकाव्य रचा है। इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोहा छंद और चौपाई छंद ही प्रधानता के साथ प्रयुक्त किए गए हैं। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त, आदर्श तथा मानवीय गुणों से परिपूर्ण होता है और उसका जीवन का उद्देश्य भी महान होता है। अर्थात हम अगर महाकाव्य रच रहे हों तो हमें उसका नायक ऐसा व्यक्ति बनाना होगा जिसका व्यक्तित्व, जिसका चरित्र उच्च कोटि का हो, धीरोदात्त हो, उसमें उदारता हो, उसमें सहयोग हो, उसमें करुणा हो, उसमें दया हो। हम किसी खलनायक को महाकाव्य का नायक नहीं बना सकते, क्योंकि समाज में हम अच्छे गुणों की स्थापना करने के लिए काव्य की रचना करते हैं, हम बुरे गुणों को, बुरे चरित्रों को स्थापित करने के लिए साहित्य की रचना, काव्य की रचना नहीं करते। तो ये थे महाकाव्य की विशेषताएं। अब महाकाव्य में एक और बात ध्यान देने की है कि जो 10 प्रकार के रस हैं, उनमें से अनेक रसों का प्रयोग महाकाव्य में किया जा सकता है, लेकिन प्रधान रूप से कोई एक या दो रस ही उसमें सामने आते हैं, बाकी उसके सहायक रसों के तौर पर उनका एक दृश्य विशेष में, घटना विशेष में उनका उपयोग होता है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि महाकाव्यों के
कौन कौन सी पुस्तकों को हम इसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने नाम लिया था रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी ने रचा है। साकेत मैथिली क्षण गुप्त का महाकाव्य है। और कुरुक्षेत्र रामधारी सेन दिनकर ने लिखा है। तो इस तरह और भी हैं, बहुत हैं, असंख्य हैं, लेकिन हम यहां गिने चुने उदाहरण ही आपको दे रहे हैं। अब इसी तरह खंड काव्य की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहला तो यही है कि नायक के जीवन के किसी एक पक्ष का ही इसमें चित्रण होता है, संपूर्ण जीवन का नहीं होता। और यह महाकाव्य की तरह सात सर्गों में विभाजित नहीं होता, बस एक सर्ग ही इसका होता है, आरंभ और अंत, अध्याय नहीं होते। तीसरा है कि इसमें किसी एक ही छंद का प्रयोग होता है। चौथा है कि इसमें किसी एक ही रस की का ही प्रयोग होता है, वही प्रधान भी है और वही एकमात्र है। और खंड काव्य का उद्देश्य भी उतना ही महान होता है जितना महाकाव्य का। तो अब हम जानेंगे हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के रचनाकारों के द्वारा रचे गए कुछ प्रमुख खंड काव्यों के नामों के बारे में। तो देखिए, तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल और जानकी मंगल नाम के दो खंड काव्य रचे हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित लिखा है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को इसमें विषय बनाया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी नाम का खंड काव्य लिखा है, जिसमें रात के आधी रात से लेकर के भोर होने तक का ही जो समय है, अवधि है, उतने का ही वर्णन है। और वह लक्ष्मण और राम के सामने सूर्पनखा के आने का, प्रस्तुत होने का, उनके प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने का, राम और लक्ष्मण के द्वारा उसे नकारे जाने का, और अंत में सूर्पनखा की सूपे जैसी नाक को काटने का वर्णन है। गुप्त जी ने जयद्रथ वध नाम का भी एक और खंड काव्य लिखा है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि दृश्य काव्य के जो उदाहरण हमने देखे थे, नाटक, एकांकी, प्रहसन, फिल्में, धारावाहिक, तो हम इसके कुछ उदाहरण देख लें। सबसे पहले हम देखें कि जो संपूर्ण नाटक हैं तीन अंकों वाले, उनके कुछ नाम हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिष्ठा ही एक विख्यात नाटककार के तौर पर है, और उनका चंद्रगुप्त नाटक हम उदाहरण में शामिल कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी लिखा है। भीष्म साहिनी जी ने कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचना की है। बहुत सारे नाटकों की उन्होंने रचना की है, उनमें से हम एक प्रमुख नाटक यहाँ आपको बता रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य नाम का नाटक लिखा है। मोहन राकेश नाटकों में इन्होंने बहुत से प्रयोग किए, और आषाढ़ का एक दिन उनका ऐसा ही नाटक है। अब हम आते हैं एकांकी के उदाहरणों पर बात करने के लिए। मोहन राकेश ने नाटक भी लिखे हैं, एकांकी भी लिखे हैं। लगभग सभी नाटककारों ने सभी नाटककारों ने नाटक के साथ साथ एकांकी की भी रचना की है। तो उदाहरण के लिए मोहन राकेश का एक एकांकी है अंडे के छिलके, ये एनसीईआरटी की किताब में भी शामिल किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखा है। इसी तरह प्रताप नारायण मिश्र ने कली कौतुक एकांकी लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एक तोले अफीम की कीमत नाम का एकांकी रचा है। उपेंद्र नाथ अश्क ने चरवाहे, और जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा।
अब हम प्रहसनों के बारे में कुछ उनके उदाहरण देख लें, जो कॉमेडी होती है, जो एकांकी से भी छोटे होते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट के अंदर हमको अपनी घटना कहानी प्रस्तुत भी करनी है और उसमें हास्य भी पैदा करना है, उसे प्रहसन कहते हैं। तो इसमें जो बद्रीनाथ भट्ट हैं, उन्होंने लिखा है मिस अमेरिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है अंधेर नगरी, इसी तरह प्रताप नारायण मिश्र का है कली कौतुक, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है जैसा काम वैसा दुष्परिणाम, और राधाचरण गोस्वामी का प्रहसन है विवाह का विज्ञापन। फिल्मों के नाम तो आप जानते ही हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, पर हम कुछ साहित्यिक फिल्मों के नाम लिखें तो बेहतर होगा, जैसे देवदास, चित्रलेखा, इसके बाद बैजू बावरा, मुगले आजम, दिल एक मंदिर आदि। इसी तरह हिंदी के धारावाहिकों के अगर हमें नाम लिखना हो तो अब सैकड़ों धारावाहिक हम अलग अलग चैनल्स पर देखते हैं, पर जो महत्वपूर्ण हैं, जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बुनियाद, कक्काजी कहन, गालिब, भारत एक खोज जैसे धारावाहिकों को हम रख सकते हैं। और अब एक और काव्य का प्रकार हम देखते हैं और वो है गद्य काव्य या चंपू काव्य। तो ये गद्य काव्य या चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो जब गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर कोई रचना लिखी जाए तो उसे गद्य काव्य अथवा चंपू काव्य कहते हैं। इसके उदाहरण में राय कृष्णदास का साधना, वियोगी हरि का विश्वधर्म और माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता हम शामिल कर सकते हैं। और एक और प्रकार है आख्यानक गीत। आख्यानक शब्द बना है आख्यान से, आख्यान यानी कोई कथा। जब कोई रचना छोटी हो, खंडकाव्य से भी छोटी हो, मुक्तक से थोड़ा बड़ी हो और उसमें कोई कथा रस हो, कोई कथा प्रवाह हो, तो उसे आख्यानक गीत कहते हैं। इसके उदाहरण में हम सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी जो कविता है, गीत है, उससे सब परिचित हैं। इसी तरह मैथी शरण गुप्त का रंग में भंग, आनंद मिश्र का चंदेरी का जौहर और जयशंकर प्रसाद की रचना महाराणा का महत्व हम उदाहरण में रख सकते हैं। तो यह था काव्य की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरणों पर आधारित आज का हमारा अध्ययन चर्चा वाला विषय। आपसे अनुरोध है, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे बॉक्स में डाल दीजिए, उसका उत्तर देते हुए हमें बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।